चंदा की बेटी हो गई। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार कहना चाहूँगी और साथ ही साथ जितने भी मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। जी हाँ, गंगा की बेटी बहुत ही खूबसूरत टाइटल है हमारी फिल्म का और मैं बहुत ही अपने आप को लकी फील कर रही हूँ कि मुझे इस फिल्म के लिए फाइनल किया गया है, जिसके प्रोड्यूसर हैं अमित जी, जिसके डायरेक्टर हैं कुमार विकल जी और जिसमें म्यूज़िक दिया है हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही टॉप के म्यूज़िक डायरेक्टर अमन श्लोक जी ने। और इस फिल्म में मैं काम कर रही हूँ राकेश मिश्रा जी के साथ एंड राकेश मिश्रा जी के बारे में बोलना चाहूँगी, ही इज़ अमेजिंग एक्टर, लवली पर्सन और मैंने उनके साथ एल्बम तो किया हुआ है, कई इवेंट्स किए हैं लेकिन हम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कभी काम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस फिल्म के माध्यम से मौका मिला है मुझे और तमाम इसमें कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत बढ़िया इसमें कास्टिंग हुई है। के गोस्वामी जी हैं जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, आप सभी जानते हैं, और साथ में शकीला जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे जी हाँ, मैं सबका नाम लूँगी तो बहुत लंबा आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन तमाम कमाल के आर्टिस्ट हैं, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। किस तरह का किरदार है आपका थोड़ा गंगा की बेटी? मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि ये जो टाइटल है ये अपने आप में एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा है कि गंगा की बेटी, लेकिन कैसे क्या, मुझे जैसी आज मैंने सवेरे फेसबुक पे अपना फ़ोटो शेयर किया तो बहुत सारे मैसेजेस आए कि क्या है ये स्टोरी, क्या है गंगा की बेटी ये वो, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी क्योंकि अभी मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया है, लेकिन ये कहना चाहूँगी कि ये जो सब्जेक्ट है ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का सब्जेक्ट अभी तक नहीं बना है, बहुत डिफरेंट है। बस इतना छोटा सा बता सकती हूँ हल्का सा कि इसमें आप मुझे गुंजलपन को एक जलपरी के रूप में भी देखेंगे। क्या कहना चाहिए, आपकी बेटी लगातार बड़े बड़े फिल्में साइन कर रही है, क्या कहना चाहिए, इतना बड़ा कामयाबी आपकी बेटी को मिल गया और आज हो गई गंगा की बेटी, क्या परिचित शक्ति से हो गई गंगा की, बहुत खुशी होती है सब देख कर और मेरा तो आशीर्वाद है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, अभी तो ये आगे ही बढ़ रही है, पीछे मुड़ने के उसके पास टाइम ही नहीं है, बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इसी तरह आगे बढ़े, खूब अपना नाम रोशन करे और बहुत अच्छे ढंग से इंडस्ट्री में अपना नाम करे। ये मैं कहना भी चाहूँगी कि मम्मी के आशीर्वाद की वजह से, मतलब मम्मी जब से बॉम्बे आई हैं मैं लगातार फिल्में साइन करती ही जा रही हूँ, इट्स ऑल माय मॉम्स ब्लेसिंग्स, सो सब इनका ही आशीर्वाद। क्या कहना चाहेंगे आप पूरे समाज के लिए जो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देते फिल्मों में काम या कौन से भी क्षेत्र में, आप क्या कहना चाहेंगे माता पिता पूरे समाज के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आजकल लड़का लड़की कुछ नहीं होता, लड़कियाँ बहुत आगे पहुँच गई हैं, मेरी तो ये बेटी जिस तरह से काम कर रही है और भी लड़कियाँ जो काम कर रही हैं, मेरी तो खुद भांजी अभी IPS है और सब लड़कियाँ काम कर रही हैं, इसमें करते रहना चाहिए, ये तो समाज के लिए एक, बिना स्त्री के पुरुष भी अधूरा है, बिना स्त्री के काम करे तो कोई काम समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता स्त्रियों को साथ लेके, इसलिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि क्योंकि आप लोगों ने ये पूछा सवाल, तो दोस्तों सभी को बताना चाहूँगी कि मैं अभी नरेंद्र मोदी जी के अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से भी जुड़ गई हूँ और मैं तो बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करती हूँ, लड़कियों को बहुत आगे आना चाहिए, समाज में बहुत अच्छा अच्छा काम करना चाहिए और जो कि हो रहा है, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट। आप क्या कहना चाहेंगे गंगा की बेटी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि तमाम दर्शकों के लिए ये केवल मनोरंजन ही नहीं करेगा बल्कि ये विश्व के लिए पूरा संदेश देकर गएगा। आज का दिन 22 मार्च है और आज दो चीज़ें बहुत बृहद स्तर पर हम मनाते हैं। नंबर वन, बिहार दिवस के रूप में आप जानते हो कि बिहार की स्थापना 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था, तो उस रूप में बिहार दिवस मनाया जाता है और इसी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं टाइटल की मीता प्रोडक्शन गंगा की बेटी एक जलपरी, जिसमें गंगा और जलपरी दोनों जल से रिलेटेड है। फिल्म की कहानी गंगा साफ सफाई के रिलेटेड है। केवल यही नहीं, इसमें कई मैसेजेस होंगे, कई संदेश होंगे, जिसमें जल संरक्षण से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कि इन्होंने कहा, और साथ ही साथ कैसे हम भोजपुरी की संस्कृति को बिहार के दायरे से जो विश्व स्तर पर कुछ देशों में जैसे नेपाल ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे मानता है, फिजी इसे ऑफिशियल स्टेटस के रूप में मानते हैं, मॉरिशस और तमाम
जगह पर भोजपुरी बोली जाती है, तो हम चाहते हैं कि फिल्म ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम भोजपुरी को विश्व स्तर पर इसकी गरिमा को बनाए रख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे गुंजन जी को, आपने अपनी फिल्म में लिया, क्या कारण थे गुंजन जी को फिल्म? देखिए सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अभी आपको कहा कि ये कई सारे अभियान से खुद जुड़ी हुई हैं, और दूसरी बात है कि एक स्त्री को, एक महिला को, एक लड़की को जिस रूप में आगे बढ़ रही हैं, और इस फिल्म के लिए सबसे उपयुक्त अगर मुझे कोई एक्ट्रेस लगी तो गुंजन पंत जी लगी, और इनकी खूबसूरती, इनकी गंगा की बेटी के अनुसार किरे जो इनका एक्टिंग होना है, और पूरी मूवी को ये अपनी भूमिका दे पाएंगी, एक ऐसा मैसेज देंगी अपनी एक्टिंग से। मुझे विश्वास है कि ये मूवी बिहार में ही नहीं विश्व स्तर पर इसकी डबिंग्स और कई जगहों पर इसे सराहना मिलेगी, और मुझे लगता है, ऐसा विश्वास है कि कुमार बिकल जी जो इसके निर्देशक हैं वो काफ़ी अच्छा निर्देशक के साथ साथ वो राइटर भी हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी हमें स्टोरी दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक भोजपुरी ही नहीं बॉलीवुड में भी ये मूवी ऐसी नहीं बनी है। मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूँ कि बॉलीवुड में भी और भोजपुरी दोनों में ही इस तरह की मूवी नहीं बनी है कि गंगा की बेटी एक जल परी के रूप में आपको देखने को। वेलकम। क्या कहना चाहिए सर, आज गंगा की बेटी का फिल्म का मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहिए इस पर और किस तरह का किरदार है आपका? सबसे पहले शुक्रिया और थैंक यू आप सभी को जो इस फिल्म के मुहूर्त में आए हैं, और थैंक यू हमारे उन फैंस को जो हमें इतना आशीर्वाद देते हैं, हमेशा एक नई फिल्म करने को मौका मिलता है। स्पेशल थैंक्स और दिल से आभार हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर को, बिकल जी को, जो एक बहुत ही इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं और बहुत ही अनुभव है इनको, तो इनके साथ काम करना यानी कि अपने आप में एक अलग अचीवमेंट होगा आपके लिए या हमारे लिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर ने उस लायक मुझे समझा और इस फिल्म में मुझे कास्ट किया। ओवरऑल ये फिल्म की जो एक स्टोरी है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी तक जितनी फिल्में किया हूँ, जो मेरा अपना पर्सनल सुझाव रहता है, मैं फिल्में जब भी करता हूँ तो थोड़ा सोच समझ के या रुक के, इसके पहले भी आपने जितना बार मेरे से इंटरव्यू किया है मेरा यही बात होता है, तो इस फिल्म की भी ये स्टोरी मुझे लगी कि हाँ इस बार फिर एक नया किरदार मुझे करने को मिलेगा। फाइनली मैंने सर को थैंक यू बोला और बोला कि सर लाजवाब स्टोरी है, श्योर मैं करूँगा और आज उस पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सर आपका एक अलग है पिछले जगह से, अभी एक बियर्ड फॉर्म, तो एनी रिगार्डिंग कोई फिल्म है क्या, मतलब कोई फिल्म के रिलेटेड किया है क्या आपने? नहीं ऐसा नहीं है, फिल्म के रिलेटेड सही नहीं होता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोगों की दुआएं हैं, और हम जब एक एक्टर होते हैं तो हम हमेशा अपने लाइफ में कुछ चेंजेस ही चाहते हैं, तो माना जा सकता है कि थोड़ा हाँ इसकी तैयारी, एक मूवी है जो कि उसके लिए ये तैयारी हो रही है, मूवी है, एक टाइटल है, वो भी बता दूँ आपको, प्यार कहाँ बनाया राम ने, तो उसमें मैं और काजल जी हैं। किस तरह का किरदार है आपका? उसको अभी नहीं बताऊँगा, मैं कभी बताता नहीं हूँ, ये मामला जान लीजिए, लेकिन किस तरह के मतलब फिल्म अच्छा है उसमें मैं एक बहुत टफ किरदार में आ रहा हूँ जिसके गीत संगीत विनय बिहारी जी किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो मुझे मिला है उसमें, इसलिए अभी उसी से जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पूरा गेटअप वगैरह, अभी इस पर बहुत वर्कआउट हो रहा है, अभी इसके लिए मुझे 15 डेज मिला है, अभी और वर्कआउट करना है। और इस फिल्म की बात करें तो क्या जॉनर है, मतलब कहानी किसके लेके, सबसे मैसेज है फिल्म में या एंटरटेनमेंट है? एक तो थैंक यू कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, आप बहुत अच्छे पूछते हैं इस मीडिया लाइन में, जब भी आप मुझसे पूछते हैं तो मैं थोड़ा सोच समझ के जवाब देता हूँ कि सर आप हो, पर सबसे पहले थैंक यू हम प्रोड्यूसर को बोलेंगे जो सर हमारे यहाँ हैं, आप आइए इधर, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं इनको थैंक यू है, क्योंकि आप एक अच्छी स्टोरी तो ला सकते हो पर उसमें पैसा कौन लगाएगा, ये सबसे बड़ी बात होती है, पर वो दिलेर व्यक्ति जो होता है ना वो सबसे बड़ी चीज़ होता है। दूसरी चीज़ क्या है, श्लोक जी को बोलूँगा जो अमन श्लोक जी इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहली बार मुझे इम्प्रेस किया है कि भाई ये फिल्म करो और मैं ये म्यूजिक कर रहा हूँ, तो हम लोग साथ में बैठे हुए थे, फाइनली एक दिन ये नाइट को पता चलता है मुझे 12 बजे रात को कि मैं इनको बोलता हूँ कि सर थोड़ी सी बता दो, पहले तो ये बताया नहीं था, मैंने बोला थोड़ी सी बता दो स्टोरी, जब इन्होंने बताया तो मैंने बोला कि सर ऐसी स्टोरी आज 20 सालों से रखे कहाँ थे जो अब लेके आ रहे हो, यही हमारी बात है, ये रियल बात है। तो इन्होंने भी मजाक किया, बोला कि राकेश जी चीज़ें होती हैं, पर यही थी मैंने कहा ये संजोग है कि आपके लिए ही थी, हम मेरे लिए हैं, तो सर को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने उस लायक समझा, और सर जो हैं इन लोगों से ही हम लोग हैं,
और मेरा हमेशा का मानना है कि दो लोग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हमारे गार्जियन होते हैं, ये लोग हैं तो हम लोग हैं, तो इनका सम्मान हमेशा करते हैं राकेश मिश्रा और पूरे इंडस्ट्रीज के जितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, जितने सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, वो सब हमारे गार्जियन हैं, हम उन सबसे हैं, वो हमसे बाद में है, पहले हम उनसे हैं, तो उनकी हम कद्र करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे अच्छा करते हैं, आगे तो आप लोग रोज ही सीखते हैं, जितना सिखाएंगे उतना बोलने को सीखेंगे। थैंक यू आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोग धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब कीमती समय निकाल के आप लोग हमारे पास आएँ और हमें उस लायक समझा कि कुछ कर सके हमारे लिए। ये गंगा की बेटी फिल्म का आपने देखा है कि गंगा की बेटी है, ये तो अलग है कि सारी कहानियाँ जैसी ही होती हमारे यहाँ की, लेकिन ये गंगा की बेटी है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के उद्देश्य को देखते हुए हमने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इस चीज़ को किया है, सब्जेक्ट चुना है। इसमें स्टार कास्ट की बात की जाए जी, स्टार कास्ट इसमें स्टार कास्ट राकेश मिश्रा जी हैं, हमारी गुंजन पंत जी हैं और शिवांगी हैं, ईशा सरकार है, सचित कुमार जी हैं, पर सब है मतलब लेकर के कि ये रोल उन्हीं के लिए फिर बैठता है, जितने जो भूमिकाएं हमने लिखी हैं उन्हीं के लिए फिर बैठ, इसलिए मैंने किया उनको। सर, फिल्म की शूटिंग कहाँ पे की जाए? हाँ, पब्लिक देख पाएगी ये शूटिंग, पब्लिक तो अभी तो ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जुलाई तक आप लोगों के समक्ष हो और इसकी शूटिंग हम लोग गाड़ी यहाँ हजारीबाग करने जा रहे हैं झारखंड में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूँ। रामचंद्र भी है बड़े प्यार। ओके, बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रोल है आपका? सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूँ और इस फिल्म में हमारा दूसरा रील मैं ही कर रहा हूँ इसकी, और यह एक ये पारिवारिक मूवी है और इसमें दो हीरो में एक मैं हूँ जो अच्छी तरह से निभाने को मौका मिल गया और हमारे डायरेक्टर साहब ने सोच समझ के इस मूवी को मुझे दिया। इसके पहले मैंने उनके साथ दो तीन मूवी किया जो हिट रहा, पवन जी और मैं, और उसके बाद फिर सन्नाटा किया, यही सब कर रहा हूँ। सारे लोग स्टार हैं, राकेश मिश्रा जी स्टार हैं, आपके गुंजन पंत जी स्टार हैं, हम लोग भी कई पिक्चर कर चुके हैं तो अनुभव है कि सब लोग एक साथ करें, पिक्चर हिट जाए, हिट पिक्चर दें हम लोग, यही है। और समाज में एक अच्छी मूवी का निर्माण किया जा रहा है जो सबसे अलग है, जो अभी मूवी आ रही है जो घर में नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग सब ऐसा बनाए कि हर कोई घर पे बैठ के देखे, पूरी फैमिली के साथ बैठ के देखे। कॉस्ट्यूम के बारे में बताइए, ये अलग कॉस्ट्यूम लग रहा है, ये कौन से डिजाइनर से आपने कॉस्ट्यूम लिया? ये डिजाइन मेरा डिजाइनर है दिल्ली में, उससे मैं करवाया था। हा? मेरा डिजाइनर है मुंबई से, उसके साथ मैं करवाया था जो मेरे फिट आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बता दीजिए। बस आप लोग को अच्छा लगे वही हम लोग के लिए। ऑडियंस मेरा जितना चाहता है उससे उसका प्यार मिलता है बराबर, जिस तरह से प्यार मिलता आ रहा है उसी तरह से मिलता जाए, ताकि जो भी मूवी मैं किया हूँ ऑडियंस को वाकई बहुत खूबसूरत लगा और उन्होंने मेरे प्यार को सराहना दिया और आशीर्वाद दिया कि मैं इसी तरह से आगे बढ़ता जाऊँ और उनको एक पर एक मैसेज दूँ जो आज भोजपुरी में हो रहा है उससे अलग मेरा मूवी एनी टाइम जाए, जिसके कारण हमारे डायरेक्टर कुमार विकल जी बहुत ही समझदार और एक बखूबी यह है कि वो एक अच्छे डायरेक्टर के नाते और राइटर भी बहुत अच्छे हैं वो, और उनकी लेखनी में मुझे बहुत विश्वास होता है कि जो चीज़ लिख के देते हैं वो मैं प्ले करता हूँ तो वाकई काफ़ी अच्छा लगता है, जो दर्शक को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा हम लोग सवाल कर रहे हैं आप भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शक के संतोष पुरी के नमस्कार। जैसे कि रउआ गंगा के बेटी एगो जल परी टाइटल देखता नहीं, एगो अलौकिक कहानी बाई, बहुत एक दार्शनिक भी बा, में प्रेम कहानी बा और रोमांटिक मूवी बाई, एमें गाना बहुत ही अच्छा अच्छा बन रहा बा, म्यूजिक डायरेक्टर अमन अश्लोक जी बाड़े और हम गीतकार संतोष पुरी और डायरेक्टर वन कुमार विकल जी जो से पहले भी बहुत अच्छा अच्छा पिक्चर दे चुकल बाड़न, और हम चाहता नहीं कि ये पिक्चर के रउआ लोग बहुत सारा प्यार दी और आशीर्वाद दी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे मैडम, किस तरह का रोल है आपका? मेरा इसमें सेकंड लीड का रोल है और इसमें मैं मतलब एक कम एज वाली लड़की हूँ, अनाथ लड़की हूँ, और जो मतलब छोटे छोटे बच्चों को मतलब अनाथ आश्रम में लाते हैं। बस कितनी तैयारी की? बस अभी तक तो पता ही चला है, देखते हैं आगे तैयारी तो करनी है, लेट्स सी।
मेरा नाम शकीला मजीद है और मैं इस पिक्चर में माँ का रोल कर रही हूँ। कुमार विकल जी के साथ पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ, करेला कमाल धरती के लाल, उसमें माँ का रोल की हूँ और इस पिक्चर में भी कर रही हूँ। और मुझे कुमार विकल जी के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है और इसमें सब अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और अच्छे प्रोड्यूसर है, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर है, दो दो हीरो है, एक राकेश जी है और दूसरा सचिव, और प्रोड्यूसर हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं अमित जी, और म्यूज़िक डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी बहुत अच्छे हैं। मैं माँ का रोल कर रही हूँ। मैं कितनी तैयारी की आपने? तैयारी कुछ भी नहीं किया है, बस करना है, माँ का रोल कर रही हूँ आजकल। गंगा की बेटी का अर्थ क्या है आपके यहाँ? गंगा की बेटी, गंगा तो पवित्र नेम है और समझ लीजिए गंगा की बेटी क्या हो सकती है। और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूँगी कि ये पिक्चर बहुत अच्छा से अच्छा बने और सुपर हिट हो, यही हमारी दिली दुआ है, दिली ख्वाहिश है। और बस बाकी आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए और पब्लिक का प्यार भी चाहिए, आशीर्वाद भी चाहिए। और आप लोग हैं तो सब कुछ है, आप लोग में तो कुछ भी नहीं हम लोग। थैंक यू। औरत हुआ है, किस तरह का रोल है गंगा की बेटी में? गंगा की बेटी नारी प्रधान फिल्म है, नारियों के लिए है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है ये। हम बीजेपी को नहीं, सॉरी, हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। और ये सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे लिए ये फिल्म एक अलग ही रूप है, अलग ही यादगार फिल्म है ये, क्योंकि आज से जब 20 साल 25 साल पहले जब मैंने एक्टिंग शुरू किया था तो भी कुमार विकल जी के साथ ही काम किया था मैंने। तो ये फिल्म में मैं जो कर रहा हूँ वो एक कॉमेडियन का रोल कर रहा हूँ। कॉमेडी कैसा आप फिल्मों में देखते हैं, देखिए फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। ये ईशा जी हैं। कितनी तैयारी की इस रोल के लिए आप? तैयारी तो हम लोग हर रोज़ करते हैं, हर रोज़ कुआं खोदते हैं, हर रोज़ पानी पीते हैं उसमें से हैं। तैयारी अभी की नहीं है, तैयारी तो हम सर के साथ, हमारे कुमार विकल साहब डायरेक्टर हैं, इनके साथ मिल के बैठ के हम तैयारी करेंगे और ऑफ कोर्स अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छा काम करेंगे। आप इतने सीनियर एक्टर के साथ काम करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्पीचलेस एक्चुअली, कुछ नहीं, मतलब इनका आप खड़े हो जाइए। थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू केके जी, एक्चुअली इनकी वजह से ही मैं ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ। एंड थैंक्स टू कुमार विकल जी, और पता नहीं फर्स्ट टाइम करूँगी, आई डोंट नो। इस फिल्म के जरिए आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डेब्यू कर रहे हैं, तो कितनी तैयारी की आपने, कुछ अपने बारे में बताइए और कितना तैयारी की है? मैंने एक्चुअली एपिसोडिक सीरियल्स किए हुए हैं और हिंदी मूवी में भी काम किया है। फर्स्ट टाइम मैं भोजपुरी करूँगी, सो थोड़ा सा डरी हुई हूँ वो लैंग्वेज। लेकिन सच्चाई है कि हिंदी बोलती हैं उसमें। सच्चाई ये है कि इनका रोल ही ऐसा है कि हिंदी बोलती है, भोजपुरी नहीं बोलती। हाँ, तो ये इनकी प्रायोरिटी है। और किस तरह का रोल है, जैसे कि आप इसमें अलग पूरे फैशन स्टाइल में आप दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरह का है? इसका ठीक उल्टा, सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक इसका उल्टा है। एक अनाथाश्रम चलाती है लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए, जो फुटपाथों पर या बाहरी लावारिस बच्चियाँ फेंक दी जाती हैं उनको पहले करके ये अपने यहाँ पालती हैं, सयानी करती हैं, आगे बढ़ाती हैं, ये काम करती हैं। बोले राम जी, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपकी फिल्म? मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं पहली बार पूर्व प्रोड्यूसर का काम कर रहा हूँ, जिसमें हमारे विकल सर बहुत ही महान डायरेक्टर हैं और इनके बारे में तो कुछ कहने लायक है ही, शब्द नहीं है मेरे पास कुछ कह सकूँ। इनके जैसा आज तक कोई निर्देशक मैंने देखा नहीं अपने अभी तक के जीवन में, और बहुत ही अच्छी मूवी है जो काफ़ी सस्पेंस में भी है, काफ़ी सस्पेंस मूवी है। और गंगा की बेटी, गंगा पुत्र तो बहुत बनी है लेकिन गंगा की बेटी फर्स्ट टाइम है और इमेजिन है, ऐसी बॉलीवुड भी फिल्म नहीं बनी है और ना हॉलीवुड में देखा जा सकता है, लेकिन बॉलीवुड में आज तक नहीं बनी ऐसी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है।
तरह का मतलब फिल्म दंगा के बारे में, सफाई के बारे में है, क्या है? सफाई के बारे में भी है और आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से भी है ये, और एक ये बहुत ही मतलब कि ये आपका सस्पेंस भरा भी है। जैसे कि अभी सर बेटी बचाओ और गंगा सफाई का है तो आप मैसेज दे रही, तो सरकार से कुछ आप फैसिलिटी चाहिए आपको, टैक्स सर्विसेज फ्री, जिससे फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा जगह लगे? मैं तो उम्मीद करूँगा कि सरकार हमें इसमें मदद करे और सरकार अपनी फैसिलिटियाँ दे हमें कि हम इससे और दूर तक मैसेज दें। फोटोग्राफर कहाँ गया भाई? सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपकी फिल्म का मुहूर्त हुआ है, किस तरह का म्यूजिक दिया है उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया कर्मी जो इस इवेंट को कवरेज करने के लिए आए हैं, सबका शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और गंगा की बेटी टीम को जो प्रोत्साहित करने के लिए हमारे दोस्त और जितने भी लोग आए हैं सबका स्वागत करता हूं मैं, अमन श्लोक। और आपको ये बताना चाहता हूं कि हर बार की तरह जब जैसे मेरी कोशिश होती है कि कुछ फ्रेशनेस हो गाने में, कुछ नई बात हो, कुछ शब्द नए हों, कुछ गाने का जो टेम्परामेंट है वो अलग हो, तो पिछले 1.5-2 महीने से हम इस पर काम कर रहे थे। और कुमार बिकल जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, राकेश मिश्रा जी जो बहुत अच्छा गायक भी हैं और बहुत बड़े स्टार भी हैं, तो उनके साथ आज हम लोग इस फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं। और बहुत बेहतरीन और बहुत डिफरेंट टाइप का एक सस्पेंस म्यूजिक, आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट टाइप का सस्पेंस म्यूजिक है। जैसे आम म्यूजिक होता है कि किसी में आइटम और ये लव सॉन्ग होता है, तो लव सॉन्ग भी है, मगर इसमें है कि एक दूसरी दुनिया के एक रहने वाली लड़की के साथ किसी का एक इश्क कैसा हो सकता है, तो बहुत ही सस्पेंस और बहुत ही रोमांच करने वाला ये प्रोजेक्ट बन रहा है और मैं बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और सबको शुभकामना देता हूँ कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, बहुत बेहतरीन गीत बने इसका। वो सबसे पहले मुझे बहुत प्रभावित किया है, बिकॉज जबकि अभी तक मैं गंगा मैया, गंगा माई, गंगा तोहर देवी इस तरह का नाम मैं सुना करती थी, पहली बार मैंने गंगा की बेटी को सुना है, देखा तो अभी तक नहीं, और इसका सारा क्रेडिट जाता है आप। मैंने इनकी फिल्म मैं इनकी एक फिल्म कर चुकी हूँ धरती का लाल, और वो फिल्म बहुत हिट हुई, बहुत ज़्यादा, तो मैं चाहती हूँ कि उससे कहीं चौगुना पचगुना ये फिल्म भी हिट हो, मेरी यही शुभकामना है। एक बार फिर से आप नई फिल्म में नया गाना दे रहे हैं? बिल्कुल नई फिल्म और मतलब एक नई स्टोरी जो कि आई थिंक अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं आई है, गंगा की बेटी एक जलपरी, मतलब एक जलपरी की स्टोरी है ये, और मुझे खास तौर पर म्यूज़िक डायरेक्टर से ज़्यादा वो होता है, तो अमन जी हैं जिनके मैंने 200-250 गाने गाए हैं, और आज हाँ बिल्कुल मैंने इनके 200-250 गाने गाए हैं, और आज एक बार फिर जलपरी में भी बहुत ही यूनिक सॉन्ग है, मतलब हमेशा आइटम सॉन्ग करती हूँ बट आज एक नया सॉन्ग है, एक मेरे लिए एक नई अचीवमेंट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज मुहूर्त है, हम सभी आए हैं। प्रोड्यूसर जी के लिए क्या कहना? बिल्कुल डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर जी, सभी को मेरी बहुत बेस्ट विशेज हैं कि उनकी ये फिल्म सक्सेस हो और बहुत ही पॉपुलर हो। थैंक यू सो मच। मेरी अभी एक फिल्म सत्य आई है, उसका एक गाना 5 दिन में 6 लाख व्यूअर्स हुए हैं, तो मैं वही 2 लाइन गुनगुना देती हूँ। लुलिया मांगे ले, लुलिया का मांगे ले, लुलिया तोहरा जैसन लो मोहर भतार मांगे ले, लुलिया तोहरा जैसन लो मोहर भतार मांगे ले। ये फिल्म सत्या का गाना है जिसमें मैंने और पवन जी ने गाया है, तो आप इन फिल्मों को भी और मेरे सारे गानों को सुनते हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कहना चाहिए आज आप गंगा की बेटी में आप आए हैं और किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहिए, और आप भी एक इस फिल्म में गंगा की बेटी टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि मैं भी गंगा किनारे का छोरा हूँ, मेरी पैदाइश हुई है वो मुंगेर में हुई है जो कि गंगा का तट है। लेकिन तमाम दर्शकों को मैं आज बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा क्योंकि आज बिहार स्थापना दिवस है, और इस तरह की फिल्म डेफिनेटली लोगों को एक अपनेपन का एहसास कराएगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इस फिल्म से जुड़े हुए तमाम लोग मेरे बहुत करीब हैं, दोस्त हैं, जो कि डायरेक्टर साहब हैं विकल साहब,
उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए आइडिया के साथ वो आ रहे हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा पहुँचेगा जी। बड़े बड़े फिल्में करते हैं, बॉलीवुड में करते हैं, टीवी सीरियल करते हैं, तो भोजपुरी में आज आप आ गए, मतलब अपना समय दे दिया आपने, इतने बिजी स्टार। ये पार्ट है, राकेश हमारे मित्र हैं जो लीड कर रहे हैं इस फिल्म में, गुंजन भी बहुत अच्छा कर रही हैं, तो ऐसे में हम टीम जब यहाँ है, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री से हो या टेलीविज़न से हो, तो वी एज अ फैमिली, हम एक परिवार की तरह हैं। हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, आप सब अच्छा करें और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, यही शुभकामनाएं हैं। मैं रंजीता शर्मा, अमन अश्लोक जी के साथ मैंने पहले गाया हुआ है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं फिर से जुड़ रही हूँ, और गंगा की बेटी के लिए मेरी बेस्ट विशेज है, और ये नाम ही कुछ अलग सा है जो अभी तक मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में सुनने को नहीं मिला था, तो मैं सबको शुभकामना देती हूँ इस फिल्म के लिए।